आपने भी जामिया यूनिवर्सिटी के पीड़ित कर्मचारी राम निवास को सुन लिया। टाइम्स नाउ द भारत से बात करते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयां की है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से एक टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं कि कब क्या हुआ और क्यों एफआईआर दर्ज कराने तक की नौबत आ गई। देखिए, सबसे पहले 30 मार्च 2007 की तारीख, जामिया यूनिवर्सिटी से जुड़े राम निवास जिन्होंने आरोप लगाया है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद 30 मार्च 2007 को अपर डिवीजन क्लर्क पर इनकी ज्वाइनिंग होती है 2007 में, यानी कि बहुत पुरानी बात है। राम निवास डेपुटेशन पर एहबास भेज दिए जाते हैं, इनको डेपुटेशन पर भेजा जाता है एहबास। और 2015 से 2021 के बीच में राम निवास डेपुटेशन पर रहते हैं। एहबास मतलब मानव व्यवहार एवं विज्ञान संस्था, एक ये संस्था है दिल्ली में जिसमें लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, जहां पर रिसर्च किया जाता है, वहां इनको भेज दिया गया। 1 दिसंबर 2021 को क्या होता है, हायर पोजीशन के लिए एनओसी मांगी गई, हायर पोजीशन के लिए एनओसी मांगी गई। और इसके बाद 1 दिसंबर 2021 को जामिया यूनिवर्सिटी ने इसे खारिज कर दिया, यानी कि जामिया यूनिवर्सिटी को शुरुआत से ही शायद इनसे कोई दिक्कत थी, ऐसा महसूस होता है। 1 दिसंबर 2021 को राम निवास के यूनिवर्सिटी पर आरोप और हर 2 महीने में अलग विभाग में ट्रांसफर करने का भी आरोप है, यानी कि राम निवास कह रहे हैं कि हर 2 महीने में राम निवास जी का किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा 13 अप्रैल 2023 की घटना, जो ये बता रहे हैं, जो इनका आरोप है, उसके मुताबिक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप राम निवास ने लगाया है, यानी कि इनके साथ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए और इनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। 29 अप्रैल 2023, अभी पिछले साल की ही बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की 2 पदों के लिए वैकेंसी निकली। अब 2 पदों के लिए वैकेंसी निकली 29 अप्रैल 2023, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी थी उसमें। अब क्या होता है, आगे देखिए, 29 अप्रैल 2023 को दोनों पदों के लिए राम निवास ने अप्लाई कर दिया। इन्होंने सोचा कि यही मौका है, इस मौके में कूद जाओ, यानी कि जो वो चाहते थे उसके लिए वो आगे बढ़े, वो प्रमोशन चाहते थे। 29 अप्रैल 2023 किसी भी पद पर रिजर्वेशन नहीं रखा गया, यह भी तय था। 16 जून 2023 को शिकायतकर्ता इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ये चले गए, यानी कि रिजर्वेशन जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो हाईकोर्ट गए। अब 16 जून 2023 को क्या होता है, शिकायतकर्ता इसके खिलाफ हाईकोर्ट जब जाते हैं तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो अभी जो एफआईआर में उन्होंने बातें कही हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने जामिया यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया, कब दिया निर्देश, 16 जून 2023 को जामिया यूनिवर्सिटी को निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया कि एक पद राम निवास के लिए सुरक्षित रख लिया जाए, हाईकोर्ट ने यह कहा। अब जुलाई 2023 में राम निवास का यूनिवर्सिटी के लिए, उनके यूनिवर्सिटी के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं जुलाई में, यानी कि इस वक्त ठीक एक साल पहले, आप चले जाइए ठीक एक साल पहले, तो उनका आरोप सामने आया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रताड़ना बढ़ा दी गई, यानी कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि आप यूनिवर्सिटी में आए तो उसके बाद हम आपको इतना परेशान करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी से 20 कदम दूर ही नजर आएंगे। तो जुलाई महीने में ही 2023 में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो इनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उस पर इन्होंने आरोप लगाया है और एफआईआर में मामला, जो मामला दर्ज है उसमें इन्होंने शिकायत की है। धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप इन्होंने लगाया है कि 2 प्रोफेसर लगातार इन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे। कलमा पढ़ने का दबाव बनाने का भी आरोप राम निवास ने लगाया है। वो कह रहे हैं कि उनको कहा जा रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम कलमा पढ़ लो तो तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो रही थी, मुसलमान बन जाओ। इसके अलावा इन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि इनको हिंदुओं को भड़काने के लिए भी कहा जा रहा था। ये तमाम रामविलास के आरोप हैं जो एफआईआर उन्होंने जिस मामले में दर्ज कराई है, तमाम ऐसे आरोप रामविलास ने इस यूनिवर्सिटी पर लगाए हैं और एक बार फिर से जामिया यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है।
इस वक्त वो कर्मचारी राम निवास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की दिक्कतें राम निवास जी हो रही है आपको यहाँ पर, और जिस तरह के आरोप और शिकायत आपने दर्ज कराई है उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, पिछले दो साल से ये मामला चल रहा है। मेरे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। बोला के ईमान ले लो और हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये सब तो पाखंडवाद है। मैडम, मैं अगर अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो क्या ये मेरा अपराध है? और पिछले 3-4 महीने से तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए राम निवास जी, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी नौकरी कब यहाँ पर लगी, किस तरह से लगी, किस पोस्ट पर लगी थी? मैं, मेरी नौकरी मार्च 2007 में लगी थी। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट हुआ था, उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे यूडीसी के पद पे अपॉइंट किया गया था। 2007 और अब 2024 है, तो इतने सालों में दिक्कत नहीं हुई कि दो साल से आपको ये समस्याएं हो रही हैं? मैम, दिक्कतें पहले भी थी लेकिन मैं इग्नोर करता रहा, मुझे नहीं पता था ये मामला इतना बढ़ता रहेगा। लेकिन पिछले दो साल से जैसे ही मेरी शिकायतें मैं इनके पास लेकर जाता था तो इन्होंने मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि यार तुम हिंदू धर्म में क्या है, तो पाखंडवाद है, इसमें तो कोई कुछ वो नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए, आपकी जो भी समस्या है। कौन कहता था इस तरह की? हाँ, प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी जो उस टाइम रजिस्ट्रार थे, और मिस्टर एम नसीम हैदर और प्रोफेसर साहिद तस्लीम जी। क्या उस दौरान आपने किसी से शिकायत नहीं की कि इस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, शिकायतें तो मैं कर रहा था लेकिन फॉर्मली जब ये ज्यादा होने लगा तो मैंने इसकी शिफायत दिल्ली हाईकोर्ट में भी की हुई है और SC ST कमीशन में भी की हुई है। और फिर जब मेरे को ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे, फिर मैंने 3 महीने पहले DCP ऑफिस में शिकायत दर्ज दी, लेकिन वो 3 महीने के बाद अभी 15 जुलाई को शिकायत दर्ज FIR में तब्दील हुआ है। राम निवास जी, आप बहुत पुराने कर्मचारी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ऐसे में तो आपके संपर्क होंगे, तो क्या आपने BC से या प्रशासन में जामिया की कहीं शिकायत नहीं की? नहीं मैम, मैं रजिस्ट्रार साहब से मिलने जाता था क्योंकि वही हमारे अधिकारी हैं बड़े, तो उन्होंने ही मेरे को इस चीज़ के लिए बाध्य किया है धर्म परिवर्तन के लिए। जी, अभी फिर आपने पुलिस में FIR दर्ज कराया है, SC ST भी लगाया हुआ है, तो ऐसे में क्या आप मांग कर रहे हैं और क्या कुछ शिकायत में आपने कहा है, क्या बात कही है? हाँ मैम, मेरा जो शिकायत है वो यही है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, मतलब इस तरह के जो लोग कर रहे हैं वो बंद होनी चाहिए और मेरे साथ अन्याय होना चाहिए। जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना आपके सामने हुई है क्या, किसी और के ऊपर भी दबाव? काफी घटनाएं हैं, अभी भी काफी लोग हैं जिनके साथ ये घटित हो रही है, लेकिन कोई भी यहाँ सामने नहीं आता डर की वजह से, सभी चुप रहते हैं। अब मेरे केस के बाद काफी लोग सामने आएंगे। क्या चाहते हैं आप, मतलब आगे के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको न्याय चाहिए, पुलिस में शिकायत दर्ज है क्या, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, पुलिस क्या कह रही है? नहीं, पुलिस ने तो सिर्फ FIR दर्ज की है, अब उन्होंने तो अभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की है, अब ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या क्या घटना, सबसे पहले अगर बात करें तो पिछले दो सालों में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिससे आप बहुत आहत हुए, परेशान हुए, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा था? नहीं मैम, पिछले दो साल से तो ये चल ही रहा था, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से इन्होंने मेरे को ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से मुझको ये शिकायत DCP ऑफिस में करानी पड़ी मजबूरी बस। तो ये राम निवास सिंह है, यहाँ पर कर्मचारी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है यहाँ पे काम करने वाले अधिकारियों पर कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें जाति सूचक शब्द जो है वो कहे जा रहे थे। पिछले दो सालों से ये काफी ज्यादा परेशान है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और पूरे मामले पर जामिया यूनिवर्सिटी की सफाई भी आई है, FIR में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद यूनिवर्सिटी में बताया है, राम निवास काम में रुकावट डाल रहे हैं ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से FIR को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया है कि राम निवास काम में रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, जो काम राम निवास को करना चाहिए वो काम उनको मिल जाए तो राम निवास कुछ बोलते नहीं, शायद वो FIR भी नहीं करवाते। लेकिन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि राम निवास ही काम में रुकावट डाल रहे हैं, ये पक्ष है यूनिवर्सिटी का। और वो पक्ष जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे सिलसिलेवार तरीके से, आप देख रहे थे कि कैसे राम निवास ने 2007 से लेकर अभी तक संघर्ष किया और पिछले दो साल में उनके मुताबिक ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए वो FIR करवाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी की जो सफाई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी सफाई में क्या बातें कही हैं। कहा है कि सारे आरोप
निराधार हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। राम निवास काम में बाधा डाल रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के काम में बाधा डालने का आरोप उल्टा राम निवास पर यूनिवर्सिटी ने जड़ दिया। मैनेजमेंट को अस्थिर करने की कोशिश राम निवास कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का कहना है। FIR में लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शिकायतकर्ता पहले भी ऐसा कर चुका है। जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता यानी कि राम निवास पहले भी ऐसा कर चुका है, जानबूझकर वो काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है और मैनेजमेंट को परेशान करने की कोशिश राम निवास कर रहे हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है।